लेट्स स्टार्ट नाउ विथ टेबल फॉर टी रेशोज ऑफ दी स्टैंडर्ड एंगल्स जैसा हमने देखा जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री इन सब एंगल्स के लिए हमने टी रेशोज सारे के सारे छः के टी रेशो साइन कॉस टैन कॉट, सीकेंड कॉज सब निकाले उनका प्रूफ भी किया ये बेसिकली जो टेबल है आपके सामने उन सब चीज़ों को समराइज़ करके हमने यहां लिख दिया जैसे कि ये एंगल है जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री सिक्सटी डिग्री नाइन्टी डिग्री तो साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो साइन थर्टी डिग्री हाफ साइन फोर्टी फाइव डिग्री वन बाई रूट टू साइन सिक्सटी डिग्री रूट थ्री बाई टू और साइन नाइन्टी डिग्री वन और इसी तरह कॉस की वैल्यूज़ हैं टैन की और सारी वैल्यूज़ हैं तो दीज ऑल वैल्यूज नीड टू बी मेमोराइज्ड मेमराइज दही है कि इनको किसी ने पूछा आपसे टैन थर्टी डिग्री क्या है तो आप डिराइव कर रहे हैं बैठ करके याद होनी चाहिए साइन थर्टी डिग्री क्या है दे मस्ट बी लर्न प्रॉपरली हां इनका प्रूफ भी बताया जा चुका है लेकिन वेन इट कम्स टू दीकेशन द प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज डू वी मेमराइज और डू वी रिमेम्बर दोज थिंग्स आर नॉट राइट चलिए सो अब मैंने आपके सामने लिखा है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सीकेंड कॉस एक्ट थीटा इन सबके ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं ग्राफ का मतलब समझते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर प्लॉट किए जा सकते हैं कि जीरो डिग्री पर वैल्यू क्या आ रही है थर्टी डिग्री पर वैल्यू क्या आ रही है और याद करें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन बताया हुआ है यानी जैसे पाई रेडियंस कॉरस्पॉन्ड्स टू 180 डिग्री पाई बाय टू रेडियंस कॉरस्पॉन्ड्स टू 90 डिग्री इसी तरह पाई बाय थ्री रेडियंस कॉरस्पॉन्ड्स टू 60 डिग्री पाई बाय सिक्स कॉरस्पांड्स टू 30 डिग्री एंड पाई बाय फोर कॉरस्पॉन्ड्स टू 45 डिग्री सही है आपके सामने ये ग्राफ्स मैंने दिखा तो दिए हैं ये थीटा का ग्राफ है ये थीटा का ग्राफ है ये टेन थीटा का ग्राफ है ये कॉट थीटा का ग्राफ है और इसी तरह मैंने कॉसेक थीटा और थीटा का भी ग्राफ दिखा दिया लेकिन ये ग्राफ आपको याद करने की जरूरत अभी नहीं है जस्ट टू टेल यू दैट यस द ग्राफ्स डू एग्जिस्ट और एक्स एक्सेज और वाई एक्सेस पर वैल्यू प्लॉट करते हैं जैसे जीरो डिग्री पर जीरो वैल्यू पाई बाय सिक्स पर वैल्यू हाफ पाई बाय थ्री पर वैल्यू रूट थ्री बाय टू पाई बाय टू पर वैल्यू वन ये सारे पॉइंट्स 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 प्लॉट करके उन सबको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे सामने ग्राफ निकल के आ जाएगा अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये आप हायर क्लास यानी इससे अगली क्लास इलेवंथ के अंदर में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं ठीक है तो पाई के बाद जैसे अभी तक तो हमने केवल 90 डिग्री तक के एंगल की ही बात करी इससे ऊपर की बात नहीं करी या 180 डिग्री तो एंगल आगे तक जितना मर्जी आगे तक इन्फानेटली जा सकता है थ्री सिक्सटी डिग्री 720 ट्वेंटी डिग्री एंड ब्ला 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 आगे तक चलती चली जा सकती हैं ये चीजें सही है चलिए तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन है पहला इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी राइट एंगल डेट बी लिखा है तो देखिए लेट्स ड्रॉ दिस ट्राइंगल राइट एंगल डेट बी दिस इज ए दिस इज सी ठीक बी सी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री फाइन द लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ए बी की लेंथ एक्स मान ले एसी की लेंथ वाई मान ले ठीक तो अभी तक जब हमने साइन कॉस इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज नहीं पड़ी थी तब तक हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज जरूर करते थे लेकिन पाइथागोरस का यूज करने की जरूरत नहीं है उसके बिना भी आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा हाफ होती है तो एज अ रिजल्ट वाई की वैल्यू क्या आ गई टेन आ गई वाई की वैल्यू क्या आ गई है टेन आ गई मेरी बात समझ में आ गई सही है इसी तरह x निकालना है तो वी नो टेन ऑफ थर्टी डिग्री इज पर पेंडिकुलर डिडेड और टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू अपॉन अंडर द रूट थ्री होती है तो एज अ रिजल्ट x की वैल्यू आ गई फाइव रूट थ्री सो दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन तो ये हमने बखूबी यूज किया किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का थर्टी डिग्री की हमारा मन अगर मैं टेन की बजाय मैं यहां पर कॉस भी यूज करना चाहता तब भी एक ही बात थी कि कॉस थर्टी डिग्री इज़ एक्स डिवाइडेड बाय वाई और कॉस थर्टी डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है अंडर द रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू और इट इज़ एक्स डिवाइडेड बाय वाई वाई की वैल्यू टेन है तो ये कटता फिर से यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइव रूट थ्री आ जाती तो एक ही बात है और यहीं पर हम पाइथोगस यूज करते तब भी वाई की वैल्यू निकाल ली थी तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी का भी रिलेशन का यूज़ करते तब भी हम वाया द वैल्यू ऑफ वाई वी कुड हैव फाइंड फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाइस वर्सा अगला क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी राइट एंगल डेट सी अब ये राइट एंगल डेट सी है लेट अस से दिस वन ए बी एंड सी राइट ए की वैल्यू हमें फोर सेंटीमीटर दी गई है ए सी इज फोर गिवन टू ए बी इज़ गिवन टू अस एज एट सेंटीमीटर ठीक है फाइंड द एंगल ए एंड एंगल बी हमें एंगल ए निकालना है और एंगल बी निकालना है तो कैसे करेंगे इसमें बहुत सिंपल है एंगल ए के लिए हम नहीं जानते हैं पहली बार एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ वन एटी डिग्री बट एंगल सी नब्बे डिग्री है तो एज ए रिजल्ट एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ नाइन्टी डिग्री और ध्यान से देखें अगर मैं कॉज ऑफ ए की बात करूंगा दैट विल बी इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय द हाइपोटिन्यूस यानी वन बाई टू वैल्यू आ गई तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई है सिक्सटी डिग्री आ गई है कॉज ऑफ एन एंगल इज हाफ एज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है कि नहीं याद है कॉस थीटा की वैल्यू हाफ है तो इसका मतलब थीटा सिक्सटी डिग्री है और क्योंकि एंगल ए सिक्सटी डिग्री है तो देअर फोर एंगल बी कितना आ जाएगा इट विल बी 30 डिग्री मेरी बात समझ में आ गई है चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग तो पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें sin ऑफ 2a विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 3/2 और sin ऑफ 2a की वैल्यू अब मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 3/2 कब होती है ये जब sin ऑफ 60 डिग्री होता है इसका मतलब sin के अंदर में जो एंगल है उस एंगल की वैल्यू मैं 60 डिग्री लिख सकता हूँ, यानी 2a is to 60 डिग्री व्हिच इंप्लाइज़ द एंगल a इज नाउ 30 डिग्री आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट ठीक आगे चल के हायर क्लासेस में आपको ये पता लगेगा कि ये जो वैल्यूज हैं एक्चुअली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो अपनी वैल्यूज रिपीट करता चला जाता है आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल और उस इंटरवल को पीरियड कहा जाता है यानी मेरा कहने का मतलब है जैसे कि आपने देखा कि साइन ऑफ जीरो डिग्री पर वैल्यू जीरो आती है और इसी तरह वही वैल्यू साइन ऑफ वन एट्टी डिग्री पर भी आती है मेरी बात समझ आ रही है साइन ऑफ वन एट्टी डिग्री पर भी यही वैल्यू जीरो आती है कहने का मतलब वैल्यू अपने रिपीट करता रहता है मतलब अगर आपके पास अगर मैं पूछूं इस बात से कि साइन थीटा जीरो है तो आपका आंसर केवल थीटा इक्वल टू ज़ीरो डिग्री नहीं जीरो डिग्री भी हुआ वन एट्टी डिग्री भी हुआ और आगे चलते जाएंगे एटसेट्रा बहुत सारी वैल्यूज और थीटा की होंगी जिन पर साइन की वैल्यू क्या आएगी ज़ीरो आएगी मेरी बात समझ में आती है ये इसमें तो कोई इश्यूज़ नहीं है ठीक है लेकिन अभी हम केवल और केवल वी आर रेस्ट्रिक्टिंग आरसर्स टू दी ओनली वन ऑफ वैल्यूज हम नब्बे डिग्री से बड़े एंगल की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ठीक है बात यहाँ तक तो चलिए आगे चलते हैं कॉस ऑफ थ्री ए इज इक्वल टू हाफ ये हमें हाफ दिया गया अब अपने आप सोच के देखिए कॉस् थीटा की वैल्यू जो टी रेशोज आपने पढ़ी हैं उसके अंदर में हाफ कहाँ पर होती है वैल्यू तो इसका मतलब कॉज ऑफ थ्री ए की वैल्यू क्या आएगी कॉज ऑफ सिक्सटी डिग्री तो इसका मतलब थ्री ए की वैल्यू सिक्सटी डिग्री आई तो ए की वैल्यू कितनी है सिक्सटी बाई थ्री इज ट्वेंटी डिग्री हैंस दिस इज द आंसर टू द पार्ट नंबर टू मूविंग वॉन्टो थी पार्ट नंबर थ्री नाउ अब रूट थ्री टैन ऑफ दिस इज थीटा दिस इज थीटा तो दिस इज टेन थीटा विल बी इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री यानी टेन थीटा की वैल्यू आ गई कितनी अंडर द रूट ऑफ थ्री अब टेन थीटा की वैल्यू अंडर व्री आ गई तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या है सिक्सटी डिग्री है थीटा की वैल्यू क्या है सिक्सटी डिग्री है टैन थीटा इज अंडर वुट थ्री हमें टेबल से याद है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी अगला सवाल साइन 30 डिग्री टेन ये सब वैल्यूज दी गई हैं और इन की वैल्यू प्लॉट कर पुट करके वी गॉट टू फाइंड द वैल्यू तो साइन 30 डिग्री हम जानते हैं इट्स वैल्यू इज हाफ प्लस टेन फोर्टी डिग्री इज वन माइनस कॉसिक सिक्सटी डिग्री अभी याद नहीं है तो आप ऐसे याद रखें साइन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू रूट थ्री होती है तो ये वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगी यानी टू अपॉन रूट थ्री डिवाइडेड बाय अब सीकेंड थर्टी डिग्री अब सोचो कॉस थर्टी डिग्री क्या होता है हाफ कॉस सिक्सटी डिग्री की वैल्यू तो कितनी, हो कितनी होती है हाफ क्योंकि साइन सिक्सटी रूट थ्री वैल्यू टू होता है और कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू होता है ठीक है और प्लस कॉट फोर्टी फाइव तो वन ही होगा क्योंकि वन अपॉन वन यानी टेन और कॉड पर वैल्यू एक ही आएगी क्योंकि वैल्यू टेन फोर्टी फाइव डिग्री की भी वन ही होती है सही है बात यहां तक तो एज ए रिजल्ट इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं वी टेक दल सी एम तो ये बनेगा ऊपर रूट थ्री प्लस दिस इज टू रूट थ्री यहां पर हमने एल सी एम दिया देखो ध्यान से ये बनेगा टू रूट थ्री ये आया और ऊपर आएगा कितना रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस का इट इज़ फोर होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा फिर से देखें ज़रा नीचे नीचे आएगा टू रूट थ्री और ऊपर आएगा फोर प्लस दिस इज रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री तो एज अ रिजल्ट टू रूट थ्री और टू रूट थ्री क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट द वैल्यू कम्स आउट टू बी टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री इज थ्री रूट थ्री माइनस का फोर डिवाइडेड बाय थ्री रूट थ्री प्लस फोर हमारी मर्जी हम इसको वी मे इट वी मे नॉट इट हम रैशनलाइज कर सकते हैं इसको अगर करना चाहें तो इट विल बी थ्री रूट थ्री माइनस फोर इंटू थ्री रूट थ्री माइनस फोर डिवाइडेड बाय थ्री रूट थ्री प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री रूट थ्री माइनस का फोर सही है एज ए रिजल्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी ए माइनस बी का होल तो ए स्क्वायर इज नाइन थ्री का स्क्वायर इज नाइन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी फोर रूट थ्री डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा नीचे ए स्क्वायर इज ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्सटीन तो ये वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर यस सो दिस इज दाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इसको आप सिंप्लीफाई करें इतना तो मैं यहां पर लीव कर दे रहा हूं बात करेक्ट